वेलकम टू माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल्स। मॉनिटर और VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Monitor is an output device. It shows the work that we do on a computer. A computer looks like a TV screen. It is also called as VDU, Visual Display Unit. Monitor output device है और ये TV screen की तरह देखने में है. Types of monitor. Number 1, CRT, cathode ray tube. CRT monitors are bigger in size and use more electricity. आपके सामने एक फोटो भी दिया गया है CRT का। इसमें विद्युत का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट टाइप का होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो CRT से कम खर्चा होते हैं। तीन नंबर में है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी LCD के जैसे ही होते हैं लेकिन CRT और LCD से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि CRT और LCD के तुलना में इसमें विद्युत का खर्च कम होता है। कीबोर्ड, नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग के सामने वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस। इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। It is used to type words, numbers and instructions. A standard keyboard has 104 keys. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज रहते हैं और ये देखने में एकदम टाइपराइटर की जैसे होते हैं और ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस, नेक्स्ट आपके सामने है माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसके मदद से हम कंप्यूटर को सूचना दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ माउस। माउस दो प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस। ए मैकेनिकल माउस इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कंप्राइज्ड ऑफ ए मेटल और रबर बॉल इन इट्स अंडरसाइड। इसके भीतर में एक बॉल लगा हुआ रहता है जो कि रबर का होता है, ठीक है, और मेटल होते हैं। ऑप्टिकल माउस। ए रेड लाइट एट द बॉटम ऑफ द माउस इंडिकेट्स दैट द माउस इज एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के नीचे में एक रेड कलर का बत्ती जलता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि यह ऑप्टिकल माउस है। और मैकेनिकल माउस में नीचे में बॉल रहता है रबर का जिससे हम लोग बोल सकते हैं ये मैकेनिकल माउस है। नेक्स्ट हम लोग के सामने है CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU stand for Central Processing Unit. It is also known as the brain of the computer because it is where processing happens. Parts of CPU: ALU, Arithmetic Logic Unit; CU, Control Unit; MU, Memory Unit. CPU हम लोग का brain होते हैं जो बताते हैं कौन से parts को क्या काम करना है। Coming soon. In the next video, we will discuss about parts of CPU in details. Don't miss the class. Thank you for watching my video. Please subscribe, share, like and comment my channel. Thank you. Goodbye.